उनकी बात की, यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। 18 जून को दो पाली में यूजीसी नेट के एग्जाम एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है और देश के 317 शहरों में 11,21,000 से अधिक उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके एक दिन बाद ही 19 जून को परीक्षा रद्द करने की घोषणा की जाती है। ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के बाद किया गया था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि परीक्षा की सत्य निष्ठा से समझौता किया गया हो सकता है। इस निर्णय के साथ ही यूजीसी नेट भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश स्तर की यूजीसी नेट जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, शिक्षण में नौकरी, पीएचडी और स्कॉलरशिप जिसको आप कह सकते हैं जीआरएफ, इन सब के लिए जो लिया जाता है उसी पेपर को रद्द कर दिया जाता है एनटीए की तरफ से और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान भी दिया जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि कब दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे इसे बाद में बताया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने पेपर रद्द करने के साथ ही यह भी घोषणा की कि परीक्षा में गड़बड़ी किए जाने के इनपुट की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है और दोबारा परीक्षा के बारे में जानकारी आपको अलग से साझा कर दी जाएगी। इसके बाद राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस ने भी परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने मोदी सरकार को पेपर लीक सरकार करार दिया, साथ ही पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री अब इस मामले में अपनी हिस्सेदारी जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट परीक्षा पे चर्चा कब करेंगे। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी आप परीक्षाओं पर तो खूब चर्चा करते हैं, लेकिन नीट परीक्षा पे चर्चा कब करेंगे। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होना लाखों छात्रों के जुनून की जीत है। कांग्रेस नेता और वायनाड सीट से लड़ रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस परीक्षा को लेकर आदेश के बाद सरकार को कड़ी आलोचना की और अपना जवाबदेही तय करने के लिए कहा। उधर अखिलेश यादव ने परीक्षा रद्द किए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। अपने लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने लिखा कि और अब गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर परीक्षा में धांधली करता जा रहा है। ये देश के खिलाफ किसी भी बड़ी साजिश हो सकती है। अपने लंबे चौड़े पोस्ट में अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि हमारे देश के शासन प्रशासन और देश के मानव संसाधन के विरुद्ध यह कोई बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम निकलेंगे। इसलिए एक कोर्ट के निगरानी में मामले की कठोर जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। किसी भी अपराधी को छोड़ा न जाए, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो या फिर उसके सिर पर सत्ता का हाथ ही क्यों ना। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया ये पोस्ट रहा। प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि बीजेपी सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द कर दी गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी, क्या शिक्षा मंत्री इस पर लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है वो था। यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं, पहला सभी के लिए सामान्य होता है और दूसरा उम्मीदवार के जो स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं उस पर विशिष्ट पेपर होते हैं।
इसमें 83 विषयों पर को पेश किया जाता है, मतलब 83 विषयों में आप अलग अलग एंट्रेंस दे सकते हैं। 3 घंटे की ये पेपर होती है, MCQ पेपर होते हैं, कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 से 50 तक जो पेपर होते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट, और पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। UGC नेट की अगर बात की जाए तो साल में 2 बार आयोजित होती है ये परीक्षा, और UGC नेट साल में 2 बार जून और दिसंबर में इस परीक्षा का आयोजन NTA करती है। हालांकि NTA दिसंबर 2018 में UGC की ओर से कंप्यूटर आधारित टेस्ट फॉर्मेट में यह परीक्षा आयोजित करवा रही थी। उसके बाद कोरोना काल के दौरान 3 से 4 साल तक कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम हुआ, उसके बाद पेन पेपर से ये एग्जाम फॉर्मेट 4 साल बाद पहली बार लिया गया। कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई शिफ्टों में कई दिनों तक आयोजित की जाती रही है, और पेन पेपर या OMR फॉर्मेट की परीक्षा एक दिन में ही 2 शिफ्टों में पूरे देश में कई सेंटर पर आयोजित किया गया। अब इसे ये भी समझ लीजिए कि NTA के एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि इस साल ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक परीक्षा केंद्रों को चुनने में मदद करने के लिए CUET UG, हालांकि ये बताया गया कि ये आंशिक रूप से है, और UGC नेट जून 2024 दोनों को पेन पेपर मोड में ये परीक्षा आयोजित करने का निर्णय पहले लिया गया था। अब जो सूत्रों से खबर मिली है कि UGC नेट की परीक्षा 2024 में संसद में पारित सार्वजनिक परीक्षा जो हुई उसमें एक नया कानून बनाया, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट, जो कि अनुचित साधनों और अपराधों को सहारा लेने वाले ये नए कानून बनाए गए हैं। इसमें जो प्रावधान दिया गया है 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अगर इसमें जो दोषी पाया जाएगा, और साथ में कुछ सालों की सजा भी हो सकती है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि नेट परीक्षा में जो धांधली हुई है उस पर राजनीति हो रही है, और इस पर अगर जो आरोपी होते हैं उनकी अगर जांच होती है CBI के द्वारा, पकड़े जाते हैं तो उनसे उनको कितने सालों की सजा होगी, क्या सब जुर्माना लगाया जाएगा, और ये राजनीति छात्रों के भविष्य से खेलना ये कहां किस हद तक जाकर रुकता है, ये आने वाले वक्त में ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।